आपको याद होगा 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश इलेक्शन में अपनी स्पीच में जिस तरह से शमशान घाट का मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि जगह जगह कब्रिस्तान बन रहे हैं लेकिन शमशान घाट नहीं है, हम शमशान घाट बनाएंगे। आज मोदी ने शमशान घाट तो क्या, पूरे देश को कब्रिस्तान बना दिया है। उन्नाव से जो दृश्य आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, उसे देखकर रूह कांप जाएगी कि किस तरह से वो सरकार जो हमेशा हिंदुओं की बात करती है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बार बार हिंदुओं की बात अपनी स्पीच में करते हैं और अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू होने का दम भरते हैं, लेकिन उन्हीं के प्रदेश में जिस तरह से डेड बॉडीज के साथ उनकी बेहरमती की जा रही है, गंगा के किनारे रेत में डेड बॉडीज को दफनाया जा रहा है, और जब आप करीब से इन मंजर को देखते हैं तो देखने में आता है कि बहुत सी डेड बॉडीज के हाथ पैर रेत से बाहर निकले हुए हैं। बरसात के मौसम में जब गंगा का बहाव तेज होगा तो ये शव बाहर निकल आएंगे और जगह जगह पानी के बहाव के साथ इलाकों का रुख करेंगे, जिससे एक और बीमारी पैदा हो सकती है, एक और आपदा पैदा हो सकती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन चाहे वो किसी भी मजहब का शख्स हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, तमाम ही मजाहिब के लोगों को भारतीय कानून में ये राइट है, ये हक है कि उनके मजहब के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आज उस अंतिम संस्कार के हक से भी लोग महरूम हो गए हैं, ये कैसी सरकार है। अब कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि आप बार बार हिंदुओं के हित की बात करते, भारत में हिंदुओं को खतरा बताते थे मुसलमानों से, लेकिन आज कौन खतरा बन गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये वो डेड बॉडीज हैं जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी तक 4,000 मौत की बात कही जा रही है दूसरे पेंडेमिक में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से ये सैकड़ों डेड बॉडीज गंगा के किनारे दफन की गई हैं, अब इनको क्या सरकार की तौर पर दफन किया गया है या लोग अपने आप दफन करके जा रहे हैं, ये भी एक इंक्वायरी का विषय है, लेकिन चीज़ें यही निकल कर सामने आ रही हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डेड बॉडी नहीं दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो खुद अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार ना करने के बजाय उनको इस तरह की स्थिति में लाया जा रहा है, डेड बॉडीज़ को दफनाया जा रहा है। यूपी में माँ गंगा अपने जीवन का सबसे खौफनाक मंजर देख रही है। उन्नाव के बक्सर में गंगा किनारे रेत में महज 500 मीटर में अनगिनत लाशें दफन हैं। रेत हटने से कई शव बाहर आ गए हैं, चारों तरफ मानव अंग बिखरे पड़े हैं, लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। 1918 के स्पेनिश फ्लू से भी बदतर हालत है। उन्नाव के ही बीघापुर में लोगों ने बताया है कि हर रोज कुत्ते घाट से लाशें खींचकर बस्ती तक ले आते हैं। सामान्य दिनों में हर दिन 8 से 10 लाशों का ही अंतिम संस्कार होता है, लेकिन हर रोज़ 100 से 150 लाशें पहुंच रही हैं। ज़्यादातर लोग शवों को दफन करके चले जाते हैं। प्रशासन ने कहा है कि वो इसकी जांच करेगा। अद्भुत मासूम प्रशासन है कि उसे सैकड़ों मौतों के बारे में पता ही नहीं है। उन्नाव के शुक्लागंज घाट पर 800 मीटर के दायरे में 1200 से ज़्यादा लाशें दफन की गई हैं। ग्रामीण बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके पास अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां खरीदने की क्षमता नहीं है, वो घाट किनारे शव दफन करके चले जाते हैं। घाट पीपीई किट, मास्क, डेड बॉडी कवर से पट गया है। ये भयानक मंजर आप देख सकते हैं। दो घाटों का ये जिक्र है इस पूरे जो मैंने आपको बताया कि एक जगह तकरीबन 500 डेड बॉडी और दूसरी जगह पर 800 डेड बॉडी दफन की गई हैं। अभी जिस तरह से कल हमने बिहार के बक्सर का बताया था कि किस तरह से वहाँ पर सैकड़ों डेड बॉडीज पानी में बह रही हैं, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया, बीबीसी ने इस स्टोरी को उठाया और उसके बाद तमाम न्यूज़ चैनल्स पर भी आपने ये दृश्य देखे होंगे, लेकिन ये जो दृश्य अभी कब्रिस्तानों के आ रहे हैं ये बहुत चौंकाने वाले हैं और ये दर्शाने वाले हैं कि ये लोग सिर्फ सत्ता के लिए
हिंदू मुसलमान का खेल खेल रहे थे, और अभी भी अगर लोग नहीं सुधरे तो शायद इससे भी बुरी स्थिति हो सकती है। हालांकि अब धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया है, लेकिन अभी भी जो जिनको अंधभक्त कहा जाता है वो अभी भी नहीं सुधरे हैं, अभी भी वो लगे हुए हैं सरकार की छवि को सुधारने में। बार बार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं, अब हालात पूरी तरह से सामान्य हैं, उनकी टीमें काम कर रही हैं, लेकिन जो ये मंजर देखने में आ रहा है शमशान घाटों का, जो मंजर देखना आ रहा है नदी के किनारे जो घाट हैं उनका, वो काफ़ी भयावह है। इसे देखकर रूह कांप जाती है और अपने आप को इंसान कहने में भी शर्म आनी चाहिए कि डेड बॉडी के साथ इस तरह से खिलवाड़, डेड बॉडी की इस तरह से बेहुरमती किस तरह से बर्दाश्त की जाए, किस तरह से इसको सहन किया जाए। जाहिर सी बात है, हालात जब आउट ऑफ कंट्रोल हैं, सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जो आंकड़े शमशान घाटों से आ रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि जो सरकार ये कह रही है कि 8 से 10 का आंकड़ा हर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है। और जिस तरह से अभी रिपोर्ट आई है कि 10% से ज़्यादा गाँव में, छोटे इलाकों में, अभी तक शहरों की तरफ लोग रुक किए हुए थे, मीडिया शहरों के बारे में बात कर रही थी, अभी तक मुंबई, दिल्ली, लखनऊ जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बारे में जिक्र किया जा रहा था, मध्य प्रदेश के भोपाल, लेकिन अब ये वायरस गांव का रुख कर चुका है। और गांव से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। और जो रिपोर्ट आई है, खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि 10% से ज़्यादा संक्रमण दर है गाँव में, देहातों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है। और रिपोर्ट में ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट को कहा गया है कि यहाँ पर 10% से ज़्यादा है, बहुत ही कम डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 10% से कम का ये फ्लू का जो उससे कम का जो है ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 10% है पॉपुलेशन का तो उसमें से मृत्यु दर भी अच्छी खासी है। और छोटे छोटे गाँव में अगर आप कोई आपका रिश्तेदार किसी गाँव में रहता है यूपी के, अगर आप बात करते हैं तो बहुत ही भयानक स्थिति वो बताई जाती है उसके ज़रिए। और ये कहा जाता है कि हर मोहल्ले से डेड बॉडी निकल रही हैं, पूरा पूरा घर उसकी चपेट में है, सब बीमार पड़े हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, अगर दवाइयाँ हैं तो बड़ी महंगी मिल रही हैं। बड़ी दवाइयाँ तो छोड़ दीजिए, रेमडेसिविर या और गैस की बात छोड़ दीजिए, आप ऑक्सीजन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो बुखार की दवाइयाँ हैं, खांसी की दवाइयाँ हैं, नज़ले की, ज़ुकाम की, इनकी जो दवाइयाँ हैं वो भी अब गाँव में नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार जिस तरह से दावा कर रही है, अगर सरकार पूरी तरह से काम कर रही होती, सरकारी डिपार्टमेंट काम कर रहे होते तो शायद ये आंकड़े ना होते। इसलिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को, जो बहसियत लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। ऐसे में छोटे छोटे इलाकों में जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन इसको और मुनज़्ज़म तरीके से करने की ज़रूरत है। दवाइयाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है लोगों की, दवाइयाँ फ्री में किस तरह से लोगों तक पहुँचें, क्योंकि जो आदमी अपनों को अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है इस वजह से कि उसके पास लकड़ी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस तरह से पिछले 1.5 साल से लॉकडाउन की स्थिति देश में बनी हुई है, 3 महीने पिछली बार तकरीबन रहा और उसके बाद अब फिर लॉकडाउन कर दिया गया है, और जो बीच का जो वो था वो लॉकडाउन से उबरने में लोग लगे हुए थे, अब हालात थोड़े बहुत ठीक हुए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा इस दूसरी लहर ने हालात और पिछली बार से ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास अपना खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में आम लोगों को आगे आना होगा सामाजिक तौर पर, सबसे पहले दवाई का इंतज़ाम और उसके बाद राशन का, खाने पीने का इंतज़ाम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद और लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आगे आएं और इस खैर काम में लोगों का हाथ बताएं। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए NewsMX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।